हेलो फ्रेंड, आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी ये झटपट से बनने वाली इस बारिश के मौसम में मूंग दाल की पकौड़ी की रेसिपी शेयर करूंगी। तो चलिए इसको दिखाती हूँ कि इसको हमने कैसे बना के तैयार की है। और ये बहुत ही आसान सी रेसिपी है, झटपट से बन जाती है, खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। तो जब भी इस पकौड़ी को आप बना कर किसी को खिलाओगे तो सभी बहुत ही पसंद से खाएंगे। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं इस रेसिपी को। तो देखिए, यहाँ पर हमने 1 कप ये मूंग दाल लिए है। मूंग दाल को हमने रात भर के लिए भिगा दिए थे। ये अच्छी तरह से फूल गई है, देखिए हाथों से अच्छी तरह से कट जा रही है। तो अब ये मिक्सर का जार लेंगे, उसमें हम ये मूंग दाल को डाल देंगे। अब इसको हमें पीस लेना है, एक दरदरा सा इसको हम पीसेंगे, ज़्यादा इसको फाइन सा पेस्ट नहीं बनाना है। दरदरे से ये पेस्ट बहुत ही अच्छी पकौड़ी बन के तैयार होगी। फिर यहाँ कुछ मसाले डालेंगे, तो हमने स्वाद के अनुसार नमक, हल्दी, मिर्च और थोड़े से अजवाइन और जीरे डाल दिए हैं। अब इसी में बारीक कटा हुआ 1 प्याज डाल देंगे, और हमने 1 हरी मिर्च और 1 कड़ी पत्ते हैं इसको हम डाल देंगे इसी में। फिर इन सभी चीज़ों को अच्छी तरह से मिला लेना है। तो हाथों से अच्छी तरह इसको अच्छी तरह से मिला लेंगे। तो अच्छी तरह से जब मिल जाएंगे तो इसके बाद हम साइड में रखेंगे। तो चलिए गैस पे देखिए, हमने ये कढ़ाई रख दी है और कढ़ाई में हमने तेल डाल के अच्छी तरह से गर्म कर लिए हैं तेल को। फिर ये जो मूंग दाल के पकौड़े हैं उसको हम इसमें डाल देंगे। तो जब ये थोड़ा सा पक जाए उसके बाद अलट पलट के इसको हम लाल होने तक पका लेंगे। तो देखिए लाल हो चुकी है, इस तरह से ये गोल्डन ब्राउन होने तक इसको अच्छी तरह से लाल कर लीजिए। तो ये पकोड़े बनके तैयार है। तो देखिए अभी चलिए इसको हम निकाल लेंगे सारे पकोड़े को। तो इस तरह से हमने ये पकोड़े बना के तैयार किए हैं, आप भी इसको ट्राई करिएगा। तो चलिए अब इसको हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। तो आप चाहे इस पकोड़े को वैसे भी खाइए, या तो किसी चटनी, मीठी चटनी, तीखी चटनी के साथ खाइए, बहुत ही पसंद आएगी। तो इस तरह से आप भी ट्राई करके देखिएगा। तो अगर फ्रेंड मेरा ये रेसिपी आपको पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिएगा, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए इसको एक तोड़ के दिखा रही हूँ। ऊपर से क्रिस्पी रहेगी और अंदर से बहुत ही अच्छी सॉफ्ट रहेंगी और चटपटी सी रहेगी। तो देखिए इस तरह से ये बन के रेसिपी तैयार हुई है। तो आप भी एक बार इसे ट्राई करिएगा। तो जब भी आपको कुछ इस बारिश के मौसम में कुछ चटपटा खाने का मन हो तो इस रेसिपी को आप झटपट से बना सकते हो। तो फिर मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में कुछ अलग नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, और इसको ज़रूर ट्राई करिएगा।